पर अब मेरे साथ हरीश जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ मेरे साथ तरुण सत्संगी साहब दोनों ही मौजूद हैं। आपका स्वागत है जी बिजनेस। सबसे पहले हरीश जी आप ही के पास मैं आता हूं, अभी हम एग्री कॉमोडिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं यहां पर अब गोइंग फॉरवर्ड, एक तो एग्री कॉमोडिटीज के प्राइसेस क्या यहां से और चढ़ते हुए नजर आते हैं, और खास तौर से ग्वार के प्राइसेस यहां पर क्या टेक है सर, क्या यहां से और चढ़ेंगे? आई थिंक नो डाउट ग्वार सीड बॉटम की पहुंच गए हैं, एंड एट द सेम टाइम नाउ जो रिसेंट रेनफॉल हुआ है, जो स्टैंडिंग क्रॉप को टू व्हाट एक्सटेंट इट एक्चुअली डैमेज्ड और कॉज इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल प्रोडक्शन, वो थोड़ा एसेस करना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से मार्केट विल बी कंसोलिडेटिंग बिटवीन 3000 ऑन लोअर साइड एंड 3250 ऑन हायर साइड, तो वो हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वन आर टू सेशंस तक ये जो पॉजिटिव सेंटिमेंट हम देख रहे हैं वो कंटिन्यू रह सकता है। मे बी 3250 देन 3280 तक का टारगेट लेके खरीद सकते हैं। राइट, कुछ और अगर कॉमोडिटीज के बारे में बात करें तो चने में आज दिल्ली में भाव में करीब 50 रुपए की तेजी है। दिल्ली में भाव 4800 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास यहाँ पर बना हुआ है। अकोला में भाव में 50 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। चने पे क्या स्ट्रैटेजी रखे सर, एनसीडीएक्स पर क्या लगता है यहाँ से अभी और तेजी बाकी है इस कॉमोडिटी पे आपकी राय? It looks like मैं से already we have seen some 250-300 rupees upsurge in chana prices. मैं से 4,550-560 तक का target दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि spot markets across the country are rolling firm, क्योंकि if you look at other pulses also availability काफ़ी limited है, तो and at the same time राजस्थान में जो बारिश हुआ है recently तो उसका भी असर पड़ सकता है, तो overall मेरे ख्याल से 4,550-560 तक का target लेके खरीद सकते हैं। राइट हरीश जी, हल्दी पे क्या करें, ये कॉमोडिटी तेज हो रही है, रोड में भाव आज लगभग 100 रुपए के आसपास तेज हो चुके हैं, और एनसीडीएक्स पर भी भाव में 1.5% से ज्यादा की छलांग ऑलरेडी हम देख चुके हैं। टर्मरिक पे आपका आउटलुक क्या करें, यहाँ से प्लस करें, तेजी बन सकती है? टर्मरिक वे पॉजिटिव, इफ यू लुक एट निजामाबाद इन एंड अराउंड, इस बार जो प्रोडक्शन का एस्टिमेट्स है काफ़ी कम है, एंड नाउ इफ यू लुक एट फेब्रवरी, लेट फेब्रवरी में अराइवल्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, बट इवन नाउ वी आर नॉट गेटिंग यू नो प्रॉपर और अच्छा क्वालिटी वाला टर्मरिक इन द मार्केट्स, तो दैट इज समवेयर यू नो इम्पैक्टिंग इन द प्राइसेज। एंड ऑल्सो इफ यू लुक एट लास्ट वन एंड हाफ मंथ, वी हैव सीन अ वेरी शार्प, अ वेरी नैरो कंसोलिडेशन बिटवीन 8,600-8,850 काइंड ऑफ लेवल्स, तो अभी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट दे चुका है, एंड आई थिंक इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 9,400-9,500। राइट हरीश जी, 700 पे क्या टेक है, क्या करें, स्ट्रैटेजी कैसे बनाए शॉर्ट टर्म के लिए आज से और आज के लिए? Well, again, oil seeds complex is rolling firm, and we anticipate further uptrend in mustard as well. But जैसे जैसे arrivals pickup होते हैं, मेरे ख्याल से market में softness आने का chances लग रहा है, but at this point in time, मेरे ख्याल से 4,050-4,060 तक market एक बार जा सकता है। चलिए, लेकिन अब सीधा प्रेशियस मेटल्स का रुख करते हैं और सोना, क्योंकि यहाँ पर फेड पॉलिसीज बैठक से पहले फोकस में आज इतनी ज्यादा तेजी बनी नहीं, 19 रुपए थोड़ा दबाव जरूर है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि 13 दिन से बेमियादी हड़ताल पर देशभर के ज्वेलर्स हैं, उस हड़ताल का यहाँ पर अब अपडेट लेते हैं। मेरे साथ सुरेंद्र मेहता जी जुड़े हैं, सेक्रेटरी IBJA के। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सर सबसे पहला सवाल, 13 दिन हो गए हैं और अब कितना आप और मानते हैं कि हड़ताल और खिंचती नजर आती है, ये मेरा पहला प्रश्न होगा आपसे सर। सर मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमें अभी अभी मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन मिली है कि मिनिस्ट्री एक्साइज के रोल बैक के तो मूड में नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो ज्वेलर्स अगर उसमें कोई रियायत चाहते हैं या उसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन चाहते हैं या हेरेसमेंट कम हुए ऐसा कुछ चाहते हैं तो वो मिनिस्ट्री उसको हमसे बात करने के लिए तैयार है। नहीं, ये किस तरीके से आप ऑल्टरनेट एक डिसीजन मान रहे हैं कि क्या फैसला ले सकते हैं सरकार, सर बेस्ट केस सिनेरियो में क्या फैसला निकल के आ सकता है? नहीं, उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर जो प्रोसीजरल कई दुविधाएं हैं उसको ज्वेलर्स मिनिस्ट्री को पुट अप करेंगे और उसके ऊपर से हमको ऐसा हल निकाल के आएंगे कि जिससे जो छोटे मोटे कारीगर है, छोटे मोटे व्यापारी है, वहाँ उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो एक्साइज को लेकर। तो क्या ये जो अभी ज्वेलर एसोसिएशन है, आप सब लोग क्या ये मान जाएंगे जो अभी सरकार ये जो बात कर रही है और एक्साइज रोल बैक ना हुआ, बाकी जो बातें मान ली गई, क्या आप संतुष्ट हैं इससे, इस डिसीजन से सरकार जो लेने वाली है?
सर हम लोग संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन जब सामने से एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो हमें भी उसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। अच्छा, अभी तक कितना नुकसान हो चुका है? तब तक अपनी हड़ताल जारी रखेंगे और इसका कोई बेटर सॉल्यूशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर निकालेंगे। अभी तक कितना नुकसान हो चुका है? लगभग 18 से 20 हजार करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है। अच्छा, और जो 17 मार्च को दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़ी रैली की जो आपने ऐलान किया था, जो घोषणा की थी, उस पे क्या अपडेट है? कि आप वो रैली करेंगे आप, या फिर जो आप मिनिस्ट्री से आप बात बोल रहे हैं कि हो चुकी है तो वो रैली अब नहीं होगी, व्हाट्स द अपडेट? नहीं नहीं बिल्कुल वो रैली होगी। जब तक हम लोग कोई एमिकेबल सॉल्यूशन पे नहीं आते हैं तब तक हमारी इंडेफिनिट स्ट्राइक भी चलती रहेगी और वो दिल्ली वाली रैली भी होगी। राइट, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पे चर्चा करने के लिए। मेरे साथ तरुण जी इस समय जुड़ चुके हैं। तरुण जी, आप बताएं सोने पे आपका व्यू क्या है और फेड पॉलिसी बैठक से पहले क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ट्रेडर्स को? आई थिंक अभी देखा जाए तो अल्टीमेटली पॉजिटिविटी कंटिन्यू करेगा जब तक कि डोमेस्टिक बोर्सेस के अंदर प्राइसेस 29,000 के नीचे स्लिप नहीं होते हैं एंड इन डॉलर टर्म जब तक कि $1,220 के नीचे प्राइसेस स्लिप नहीं होते हैं। बट एक दायरे का कारोबार हम रिपीटेटिवली देख रहे हैं, 29,000 से अच्छी बाइंग इमर्ज हो रही है, 30,000 से अच्छी सेलिंग मार्केट में इमर्ज होकर आ रही है। सो अल्टीमेटली रीप किया जा सकता है, जब जब 29,000 आया बाय किया जा सकता है, 30,000 के आसपास सेलिंग किया जा सकता है। राइट, लेकिन सोने में निवेश करना चाहते हैं तो उसका एक विकल्प ऑलरेडी खुला हुआ है मार्केट पे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश की। मैं बता दूं ये आज आखिरी तारीख है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की तीसरी किस्त आज बंद हो जाएगी, 29 मार्च को गोल्ड बॉन्ड इश्यू होगा और ये एक और बेहतरीन मौका है आपके पास सोने में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करने का। स्कीम में मिनिमम 2 ग्राम से 500 ग्राम निवेश का विकल्प है और पिछली 2 किस्तों में सरकार ने लगभग 1050 करोड़ जुटाए थे और आज तीसरी किस्त में इन्वेस्टमेंट करने का आखिरी दिन है। हरीश जी, आपकी क्या कॉल है गोल्ड पे? आई थिंक मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है क्योंकि इफ यू लुक एट 1280-1285 के आसपास कंटिन्यूस रेसिस्टेंस जरूर दिख रहा है मार्केट के अंदर और साथ में इफ यू लुक एट यू नो लास्ट वीक का जो भी रैली देखे थे इट वाज लार्जली आफ्टर यू नो ACB's अनाउंसमेंट ऑफ यू नो फर्दर QE काइंड ऑफ स्टफ। सो आई थिंक मेरे ख्याल से मार्केट फिर से एक बार 1250-1245 तक करेक्शन लेने की चांसेस ज़्यादा लग रहा है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट डोमेस्टिक मार्केट में वी आर सीइंग अराउंड 29,100-29,000 एज अ पोटेंशियल डाउनसाइड टारगेट। अरे जी, चांदी पे एक छोटा छोटा रिएक्शन आपका, चांदी पे टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखें आज के लिए बताएं? Well, silver again, I think, you know, it is heading towards 37,000 odd levels. So 37,650-700 के आसपास सेल करना चाहिए, 38,100 should be your stop loss.